सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्ता लाभ के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि बुलिश मार्केट में भी कुछ क्वालिटी स्टॉक की कीमत नहीं बढ़ती है, हमें स्टॉक रखना चाहिए। सम क्वालिटी स्टॉक प्राइस डोंट गो अप इवन इन बुलिश मार्केट, वी शुड होल्ड द स्टॉक। हाँ दोस्तों, ये इस दौरान कई इन्वेस्टर्स के सामने एक ऐसा ही आके प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी इतना बढ़ गया, कहाँ था 58,000-59,000 सेंसेक्स था, आज 61,000-62,000 और उसके ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हमारा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों कई इन्वेस्टर्स का प्रश्नवाचक चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि हमारे स्टॉक क्यों नहीं चल रहे हैं, और बखूबी वो सब सारे स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं। जो हम देखते हैं सेंसेक्स निफ्टी के कुछ स्टॉक लगातार बढ़ते गए, जैसे सेंसेक्स निफ्टी बढ़ता गया वैसे स्टॉक भी बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों, इसी ज्ञानवर्धक लाभ के अंतर्गत आपको ये जानना है, समझना है और ये भी ज्ञान प्राप्त करना है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि जब बुलिश ट्रेंड मार्केट में आता है तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे स्टॉक बुलिश हो जाएं। अक्सर दोनों बातें होती हैं दोस्तों, कि बेरिश मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो लगातार बढ़ते जाते हैं जबकि मार्केट बहुत बेरिश है, यानी मंदी के बाजार में भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती हैं या क्वालिटी स्टॉक होते हैं जो मंदी के मार्केट में ही लगातार बढ़ते रहते हैं। और कुछ स्टॉक वही अलग बात हो जाती है कि अगर वो बुलिश ट्रेंड मार्केट का होगा तो वो लगातार नेगेटिव ट्रेंड में रहते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हम सोचते हैं भाई हमारे पोर्टफोलियो का ये शेयर्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमने तो बखूबी इसमें ध्यान देकर और देखा अच्छा स्टॉक है, हर बातें प्लस पॉइंट पर है, कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और बाकायदा मार्केट कैप भी है, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो फिर यही सोचकर फिर हम परेशान होते हैं, एज एन इन्वेस्टर वाली बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या क्या बातें होनी चाहिए वो मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों ज्ञानवर्धक लाभ के अंतर्गत। पहले तो मैं 2-3 उदाहरण जरूर देना चाहूँगा, वो तो आप भी जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कई स्टॉक जैसे पिछले 1-2 साल से बिल्कुल चले नहीं है, जैसे हम देखते हैं CDSL का हो गया कंपनी का स्टॉक, या हम दीपक नाइट्रेट का स्टॉक को देखते हैं, या ऐसे तो हम निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक पर भी अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कई वर्षों से हम उसी रेंज में देख रहे हैं। अगर हम एक तरह से देखें तो उदाहरण बहुत सारे आ जाते हैं, तो निफ्टी सेंसेक्स के कुछ शेयर जैसे अगर हम NTPC का उदाहरण लें या सेल वेल इस तरह की कंपनियों का भी उदाहरण लें, कोल इंडिया का उदाहरण लें, तो कुछ कंपनियां ऐसा है कि वो अच्छे डिविडेंड देते हैं लेकिन उनके प्राइस परफॉर्मेंस में ज़्यादा ज़ोरदार रूप नहीं होता है। और कुछ ऐसी कंपनियों में ही अगर ज़्यादा फंड इन्वेस्ट हो जाता है तो देखते हैं मार्केट तो लगातार बढ़ रहा है तो हमारा शेयर्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो पहले इसका दोस्तों आपको बेसिक कारण बता दूं कि कुछ स्टॉक जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक होते हैं, एक समय क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े पैमाने पे FIs, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका बहुत बड़ा पैसा लगता है, यानी वो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जैसे उनको अपना रिटर्न दिख जाता है भाई चलो 20% मिल गया, 25% मिल गया, तो वो सारा का सारा पैसा अपना एक साथ निकाल लेते हैं दोस्तों। जबकि कंपनी अच्छी है, सब बातें अच्छी है, लेकिन उनको तो अपना एप्रिसिएशन मिल गया और उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया। वो ये देखते हैं कि बस इससे ज़्यादा भी वो क्या बढ़े या इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, ये सोचकर वो शेयर्स में जो पैसा बड़ा इन्वेस्ट किए रहते हैं वो पैसा अपना एक साथ निकाल लेते हैं या धीरे धीरे बड़े पैमाने पे निकाल लेते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि उसी दौरान जब वो बुलिश ट्रेंड रहता है तो कई इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो देखते हैं कि भाई शेयर्स कंपनी अच्छी है, शेयर्स का भाव लगातार बढ़ रहा है तो चलो हमने खरीद लिया। लेकिन जब हमने खरीद लिया तो वो क्या हो रहा था, उस समय वो बुलिश ट्रेंड में था और बुलिश ट्रेंड में हायर प्राइस साइड पे आपने खरीद लिया शेयर और फिर बाद में यही
FIs या म्यूचुअल फंड या DIs, इन्होंने एक साथ अपना शेयर्स बेचकर पैसा निकाल लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारा 20% डाउन हो गया इन्वेस्टमेंट में, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप 20%, 30%, 40% डाउन देखते हैं। वो डाउन को देखने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा चिंतित भी होते हैं, कभी कभी कंपनियों के परफॉर्मेंस पे भी शक करने लगते हैं कि ये क्या है, कंपनी चली नहीं रही है। और उसी दौरान बाकी कंपनियां, हाँ उसी दौरान अगर मार्केट बुलिश हो गया, मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव हो गया या सेंसेक्स निफ्टी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप देखते हैं कि भाई हमारा ये शेयर तो चल ही नहीं रहा है। तो उसमें हमें मतलब अंदरूनी रूप से क्या होता है दोस्तों, एक उदासीन भावना या एक नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाता है, यानी नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं कि कंपनी इतने महीने से रखे हैं, साल भर से रखे हैं, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो रख कर क्या फ़ायदा। और उसी आवेश में या उसी पॉइंट पर या एक दिन आप गुस्से में क्या करते हैं कि वो शेयर्स नेगेटिवली या नकारात्मक सोच के कारण आप उससे बेच देते हैं। और जब आप बेच देते हैं तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आप वही शेयर्स को देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, तब आप पछतावा मतलब आप बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों बेच दिया लॉस में। यानी तो इसलिए मैंने आगे का वाक्य एक ही कहा है दोस्तों कि आपको शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, यानी आपको रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे दोस्तों कब तक रखना चाहिए, हाँ ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या है कि मार्केट में जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो कुछ समय तक, 3 महीना, 6 महीना, साल और 2 साल तक एक लेवल पर उसमें कंसोलिडेशन फेज आता है, और जिससे बड़े पैमाने पे धीरे धीरे जमा किया जाता है। और ये जमा कौन करते हैं शेयर्स को, ये जमा करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियां, या मैं कह सकता हूँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या टॉप इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो ये देखते हैं कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है और आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, ये ध्यान में रखकर वो जमा करते हैं। और उनके जमा करने का विषय लाखों का नहीं होता दोस्तों, वो करोड़ों में जमा करते हैं। जब शेयर्स को करोड़ों में जमा किया जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जब भी नेगेटिव होता है तो इन शेयरों को ज़्यादा जमा किया जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक है। कंपनी तो रेगुलर डिविडेंड पे ही कंपनी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहा है। हाँ ये हो सकता है कभी कभार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंपेरेटिवली पहले से कम आया हो, प्रॉफिट कम हो या छोटा मोटा लॉस दिख रहा हो। इससे क्या होता है कि ये न्यूज़ को लेकर मार्केट को थोड़ा शेयर्स को गिराया जाता है, उस समय वहाँ शेयर्स को जमा किया जाता है, और उसी तरह से इन शेयरों को जमा करके धीरे 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 जमा किया जाता है करोड़ों से, यानी लाखों से करोड़ों में। और ये अवधि चला जाता है 6 महीना, साल भर या उससे भी ज़्यादा। और वही स्टॉक आप पिछले साल भर से देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो एक दिन दोस्तों जब सभी लोग धीरे धीरे क्या होता है कि बेच देते हैं शेयर्स, और शेयर्स चला जाता है ओवरसोल्ड जोन में। जब शेयर ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है दोस्तों, तो वहाँ ये होने लगता है कि अच्छा खासा जब बढ़ोतरी का विषय बनता है कि सब एक साथ बड़े पैमाने पे देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस या रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो वहाँ पर और जोरदार मतलब क्या होता है खरीदारी बड़े पैमाने पे शुरू हो जाती है। जब बड़े पैमाने पे खरीदारी शुरू हो जाती है तब वो शेयर्स के भाव लगातार फिर बढ़ने लगते हैं, और जो पिछले 2 साल में या साल भर में नहीं चला वो आप देखते हैं कि महीने भर में ही वो स्टॉक 20, 30, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा 50, 60% का भी रिटर्न दे देते हैं। और कभी कभी तो दोस्तों एक्सेप्शनली एक दो स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो 60 या 70% से भी ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं महीने भर में, और जो पिछले 2 साल से चला ही नहीं। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, बिजनेस उसका चल रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए पेशेंस के साथ। ये आपके लिए ज्ञान वार्तालाप के अंदर सीख है, ये आप में संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि भाई चलो 1 साल नहीं 2 साल
मैं तो दोस्तों आपसे ये कहूँगा कि ऐसे स्टॉक को एक टारगेट रखिए कि चलो देखेंगे 3 साल तक तो देख सकते हैं हम, कि 3 साल में देखते हैं कहाँ पहुँचता है स्टॉक। तो इतना समय आपको देना होगा। जब कोई स्टॉक साल या 1.5 साल तक नहीं चलता है तो आप भी आगे यही प्रश्न करेंगे कि भाई तब फिर कब तक रखा जाए ऐसे स्टॉक को। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 3 साल तक तो रखना चाहिए ऐसे स्टॉक, क्योंकि जो 3 साल में नहीं चलते हैं वो 3 महीने में ही पूरे 3 साल का कसर एक साथ निकाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। लेकिन यही हुआ कि भाई बीच में उसका परफॉर्मेंस कहीं प्रॉफिट में कम रहा, कहीं एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट किया गया था कंपनी से वो उतना हुआ नहीं, इस कारण से कंपनी काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज पे रहा। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जो आप ये देखते हैं कि अच्छा डिविडेंड दे रहा है, प्राइस रेंज में ही थोड़ा घूम रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आप ऐसा ट्रेड कर दीजिए भाई चलो ये मेरा फिक्स डिपॉजिट ही है, कि ज़्यादा गिरता नहीं है तो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, फिलहाल तो हम इसको 3 साल के लिए रख लेते हैं। वो आप 3 साल तक, 2 साल या 3 साल में, आप निश्चित रूप से दोस्तों आप मेरे वाक्य को ध्यान में रखिए कि जो पिछले 3 साल में नहीं चला वो 3 महीने में चलकर आपको जरूर दिखा देगा। और ऐसे स्टॉक जब 3 महीने में चलकर दिखाएंगे तो आप स्वयं ही मुझे कमेंट में या ऐसे एक वाक्य लिखिए कि हाँ देखिए ये 2-3 साल नहीं चला लेकिन ये 3 महीने में ये स्टॉक 20% 30% ऊपर गया है, ऐसा भी आप मुझे मैसेज करके बाद में आप भी मेरा ध्यान में लाएंगे। तो ऐसे स्टॉक को भी मैं कभी वीडियो आगे बनाना हुआ तो ऐसे कंपनी का स्टॉक भी मैं पर्टिकुलर कंपनी का मतलब वीडियो भी बनाऊंगा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा कि भाई देखो ये शेयर ऐसे रहे जो 3 साल बिल्कुल नहीं चले या 2 साल बिल्कुल नहीं चले लेकिन 3रे साल इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया कि हाँ ये बेस्ट परफॉर्मर हैं वास्तव में। तो दोस्तों मैं बस यही आपके नॉलेज में लाना था, आपको उदाहरण भी दिया। ऐसे तो हम कुछ बातों को, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जैसे कि अगर हम निफ्टी सेंसेक्स में कंपनियों का नाम ले तो अच्छी कंपनियां तो हैं ही हैं, ऐसे तो बहुत अच्छी कंपनियां तो रिलायंस इंडस्ट्री भी है, वैसे तो TCS भी है, लेकिन आप देखिए साल भर कैसे चलता है ये। 3 महीना 6 महीना देखते हैं भाई वो 5, 10, 15, 20% तक ऊपर गया मैक्सिमम, और फिर बाद में आप उसको फिर से नीचे के रूप में देखते हैं। तो इसलिए उनका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो एक लेवल तक ही घूम पाता है। हाँ ये बात अलग है कि भाई सेंसेक्स निफ्टी लगातार ऊपर 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 अगर जाए तो निश्चित रूप से ये भी अपना 52 वीक्स हाई एक बार दिखा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो क्षणिक विषय बनता है क्योंकि उसके बाद वो फिर से अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ऐसे कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग बड़े पैमाने पे होता है, और फिर आप देखते हैं कि शेयर फिर वहां पहुंच गया जो 3 महीने या 6 महीने पहले था। तो दोस्तों कुल मिलाकर मुझे यही कहना है कि अगर कंपनी क्वालिटी स्टॉक का, मेरा कहने का अर्थ हमेशा यही रहता है दोस्तों, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता रहे, उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता रहे, बुक वैल्यू बढ़ता रहे, और बिजनेस भी पॉजिटिवली ग्रोथ ओरिएंटेड टर्म में हो, और वो कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड भी देता हो, ऐसी कंपनियों को ही हम नाम देते हैं वो क्वालिटी स्टॉक होता है। तो ऐसे ऐसे शेयर्स अगर आपके पास हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आप उसको समय दीजिए, देखिए एक समय जरूर आएगा कि आप उसमें जरूर पॉजिटिव ट्रेंड पाएंगे और वो उसमें भी ग्रोथ जरूर होगा। तो मैंने जो कहा है उसको आप उसमें धैर्य के साथ उसको होल्ड करिए आप, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपको कम से कम 3 साल तक का समय देना चाहिए जो आपका स्टॉक परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस में नहीं किया है जितना आप एक्सपेक्ट किए हैं, उस हिसाब से उसको 3 साल का समय जरूर देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इस बात को आपने समझ लिया होगा और इन बातों को आप लागू भी करेंगे, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक FD जैसे आप उसको फिक्स डिपॉजिट की तरह रखिए 3 साल तक, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अपने आप ही चमकेगा दमकेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यही सब शेयर्स जोरदार रूप में दौड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा फिर बुलिश ट्रेंड में आ जाते हैं। बस दोस्तों आपके नॉलेज में मुझे जो कहना था मैंने आज आपको कह दिया, तो इन बातों का आप पालन भी करें क्योंकि जो हम अच्छी बातें सुनते हैं तो उसका पालन भी करना चाहिए, और वो पालन करने का विषय आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से फायदे में ही रहेंगे,
आप स्वयं मुझे याद करेंगे कि जो मैंने वाक्य ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहा था वो सत्य रहा और वो आपने फॉलो किया तो आप फायदे में ही रहे। बस यही कहना था दोस्तों आज की तारीख में, और मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और क्या कहें दोस्तों, बाकी तो हमारा टेलीग्राम में भी मैं प्रतिदिन मैं ये भेजता रहता हूँ अपने ज्ञान वार्तालाप के वाक्य को। आप टेलीग्राम अपना सेवी शेयर एकेडमी के नाम से ही है, उस वहाँ भी आप ज्वाइन करके आप बखूबी ये सब प्रतिदिन एक एक वाक्य में भेजता रहता हूँ हिंदी इंग्लिश में, उसको पढ़िए देखिए, वो इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग लेसन है दोस्तों, एक सीखने का विषय है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो खास रूप से है। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो तो जानते हैं कि ये तो वाक्य है ही है, और जो सत्य है वही सामने लिखा जाता है। तो बस यही कहूँगा दोस्तों, और उसी के साथ साथ यही कहूँगा कि आज हमारे पास जो 5 मल्टीवेगर स्टॉक है या 5 प्लेटिनम स्टॉक है, टचवुड, उनका परफॉर्मेंस पॉजिटिवली एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। स्पेशली पिछले एक महीने में हमारा मल्टीवेगर स्टॉक दोस्तों 30-40% काफ़ी जोरदार रूप में बढ़ा है दोस्तों, चलिए खुशी की बात है। और जो हमारे साथ जिन्होंने ये सर्विसेज लिए हैं पिछले दो महीने या जिन्होंने पर्टिकुलरली मल्टीबेगर लिया या प्लेटिनम लिया, दे आर ऑल इन प्रॉफिट, वो सभी आज फायदे में ही हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप प्लेटिनम स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए और मल्टीबेगर स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करिए। और वेल्थ बनाना है मार्केट में तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड मल्टीबेगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी आपको लेना चाहिए, जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों, आप बड़े पैमाने में कुछ इन्वेस्ट करके मार्केट से कुछ रेगुलर कमाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों कि आप डायमंड मेंबरशिप का प्लान कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।